बाइक स्टंट राइडिंग के शौक ने किया बाइक फ्रेम का आविष्कार। पोहरी में प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। किसी की लगन सच्ची हो तो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे होनहार युवक के बारे में जिसने मोटरसाइकिल स्टंट राइडिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। इन्होंने युवाओं के लिए एक ऐसी व्हील मशीन का निर्माण किया है जिसको मोटरसाइकिल में फिक्स कर आसानी से बिना गिरे उठे स्टंट राइडिंग का अभ्यास किया जा सकता है। इस मशीन के उपयोग से युवाओं तथा बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफ़ी मदद मिलेगी। कई प्रकार की बाइक कंपनियों के द्वारा कंपनी बाइक लॉन्च करने से पहले स्टंट राइडर्स के माध्यम से शो कराया जाता है जिसमें बाइक को स्टंट राइडर्स के साथ दिखाते हुए प्रमोट करते हैं। ये अवसर युवाओं के भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। यही कुछ इस युवक के साथ हुआ। पोहरी से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित छोटे से गांव बहटी में एक सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता अशोक कुमार धाकड़ राजस्व विभाग में एक पटवारी के पद पर कार्यरत हैं तथा माँ एक कराल गृहिणी है। ये गांव में ही कृषि कार्य कराते हैं। इस कार्य से छोटे से परिवार में जन्मे सत्येंद्र की उम्र करीबन 27 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता MA हिस्ट्री है। मोटरसाइकिल स्टंट राइडिंग के प्रति इनका शौक बचपन से ही था, किंतु माता पिता ने इस कार्य के लिए कभी अनुमति नहीं दी। फिर भी ये अवसर पाकर स्टंट राइडिंग का अभ्यास करते रहे। माता पिता का सहयोग इस व्हील मशीन को बनाने में वरदान साबित हुआ। स्टंट के दौरान गिरने से बचने के लिए इस युवा ने इस मशीन का निर्माण किया है। स्टंट अभ्यास के दौरान बाइक से गिरने का भय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके माध्यम से बाइक के आगे के पहियों को पूरी तरह ऊपर की ओर उठाकर पिछले एक पहिए पर चलाते हुए स्टंट अभ्यास किया जा सकता है। भैया, आपने ये बाइक स्टंट बाजी करी है, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे आपके मन में आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लोग बाबों को? सबसे पहले तो मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए PSC के इंदौर गया, तो वहाँ पर MTV के एक विनर है बाबर खान, उनका मैंने शो देखा। तो वहाँ से वापस आने के बाद मैंने अपनी बाइक से ट्राई किया तो मैं काफ़ी आसानी से चीज़ें गेन करने लगा। इसके बाद मैंने इंटरनेट पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी और उनके आर्टिकल्स देखे और फिर मैंने अपनी बाइक पर ट्राई किया तो धीरे धीरे मेरी व्हील आने लगी। फिर धीरे धीरे मेरा लेवल बढ़ता गया और अभी मैं काफ़ी बढ़िया लेवल पर स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे क्या और प्रयास हैं कि आपकी बात को रखा जाए और ऊपर आगे? अभी फ्यूचर की अगर बात करें फ्री स्टाइल स्टंट राइडिंग की, तो अभी काफ़ी अच्छे से इसको इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है। जॉन अब्राहम जो कि एक्टर हैं, जो कि इसके नेशनल लेवल पर ब्रांड एम्बेसडर हैं, और वो काफ़ी अच्छे से इसे प्रमोट कर रहे हैं। और अभी आने वाले 7 ईयर्स के लिए MotoGP भी इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो कि फर्स्ट उसका एडिशन 22-24 सितंबर नोएडा में अभी होने वाला है, तो मैं भी उसे देखने वाला हूँ अभी। बट पार्टिसिपेशन के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। आपने जो मशीन बनाई है इससे कितने लोगों को प्रभाव मिलेगा इससे? ये जो मैंने व्हीली मशीन बनाई है, एक्चुअल में होता क्या है, फैमिली स्टंट राइडिंग के लिए किसी को भी सपोर्ट नहीं करती, तो उसी तरह मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं करती थी। तो इसके लिए मैंने इस पर 2 साल अपने खर्च करके और कई सारे एक्सपेरिमेंट करके इस मशीन को मैंने डेवलप किया है। इस मशीन के द्वारा किसी भी एज का पर्सन इस पर बहुत आसानी से स्टंट राइडिंग कर सकता है, और बॉलीवुड में भी इसका काफ़ी यूज़ है, बिकॉज बॉलीवुड में मेनली स्टंट बॉलीवुड में ही आप लोग देखते हैं, और एड शूट के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है ये मशीन।